नमस्कार, प्रस्तुत है 2019 के वर्ग 8 के बोर्ड परीक्षा के गणित के हल प्रश्न पत्र का पार्ट वन वीडियो। 2019 में जो परीक्षा हुई थी, इसमें प्रत्येक विषय में 20 अंक के प्रश्न थे और प्रश्नों की संख्या भी 20 थी। तो इस तरह से गणित में भी 20 अंक के प्रश्न थे। तो इसके एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का मैं पार्ट वन वीडियो में हल कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 1, 5 का व्युत्क्रम होगा तो व्युत्क्रम क्या होता है? इसका दूसरा नाम जो है ये है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इसे इन्वर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो 5 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिस संख्या से 5 को हम गुणा करें तो गुणनफल 1 आना चाहिए। तो देखिए, ये 5 को हम गुणा कर रहे हैं x से और ये आना चाहिए कितना? 1। तो इस तरह x बराबर 1/5, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1/5। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 2, 4900 का वर्गमूल होगा, तो आइए निकालते हैं। 4900 का वर्गमूल, तो हम लोग जानते हैं 49 का वर्गमूल हमें याद है 7 होता है, और ये 2 शून्य की जगह हम यहां पर 1 शून्य बैठाते हैं, तो हमारा आ गया 4900 का वर्गमूल 70। प्रश्न संख्या 3, सोना की उम्र 1 वर्ष है, 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी, इसके समीकरण है। तो जब समीकरण हम बनाते हैं तो जैसे जैसे लिखा रहता है, निर्देश रहता है, बस उसी का पालन करते हुए हम लिखते जाते हैं। सोना की उम्र 1 वर्ष है, चलिए हमने लिख दिया 1 वर्ष। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इसमें 7 जोड़ देंगे और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 7 वर्ष बाद? 15। तो बराबर 15, ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। ये ऑप्शन नंबर 2 है। प्रश्न संख्या 4, 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा? तो आइए, ये प्रतिशत से है प्रश्न, इसे निकालते हैं। सड़े आलू की मात्रा, सड़े आलू की मात्रा बराबर 250 किलोग्राम का 10%। तो ये हो गया 250 गुना 10/100। तो ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया, ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना? 25 किलोग्राम। तो इतना आलू तो सड़ गया है, तो ये हटा दिया गया, तो बच कितना गया? तो ये हम बचे आलू, बचे आलू, तो पहले कितना था? 250 था और इसमें से 25 हम हटा दे रहे हैं, तो ये कितना आ जा रहा है? 225 किलोग्राम। ये ऑप्शन नंबर 2।
प्रश्न संख्या 5, 300 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ ढनी है बाड़ यानी घेरा लगाना है, 30 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो देखिए इसका एक स्केच बनाते हैं। ये ऐसा ही आयताकार बाड़ है, नाम भी दे देते हैं, चलिए ए बी सी डी। तो अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो बाड़ लगाना शुरू करेंगे तो यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, यानी ये पूरा एक चक्कर लगेगा। और ये जो एक चक्कर लगेगा तो ये क्या है, इस आयत का परिमाप है। तो सबसे पहले तो हम आयताकार खेत का जो परिमाप है उसको निकालेंगे। तो आयताकार खेत का परिमाप बराबर ये होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। और 2 गुना लंबाई कितना हुआ है, देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है 300 और चौड़ाई 200 मीटर। तो ये 300 जोड़ 200, तो ये हो गया 2 गुना 300 और 200 500, यानी 1000 मीटर। अब जो खर्च है वो 30 रुपए प्रति मीटर है, तो कुल खर्च पाड़ लगाने का कुल खर्च बराबर 30 रुपया प्रति मीटर है और ये 1000 मीटर है, तो 30 गुना 1000 यानी 30000 रुपया। तो ये कौन सा है, ये पहला, ये ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6, 11 का वर्ग होगा। तो वर्ग हम कैसे निकालते हैं, ये 11 का वर्ग, वर्ग का अर्थ होता है इसको 11 गुना 11 करेंगे। तो ये आप गुना करके देखिए, ये आएगा 121, ये ऑप्शन नंबर 1। एक्स वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है। तो इसे एक उदाहरण लेके समझना होगा। मान लीजिए ये 34 है, तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड रूप में लिखें, विस्तारित रूप में लिखें, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना 3 जोड़ 4। तो देखिए ये वाला इकाई अंक है और ये वाला दहाई अंक है, तो ठीक इसी तरह से एक्स वाई, तो ये यहां इकाई है, वाई यहां इकाई है और एक्स दहाई है, तो इसे हम ऐसा लिखेंगे 10x+y। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ये 2। प्रश्न संख्या 8, ये समीकरण का प्रश्न है। 3x+2=5 में x का मान होगा, तो आइए इसे हल करके निकालते हैं। 3x+2=5 या 3x=5, और ये प्लस 2 को अगर हम बराबर के दाहिनी ओर लाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस 2 बदल जाएगा माइनस 2 में, तो 5-2 हो गया 3, या x=3/3 यानी 1। तो x का मान कितना आ गया 1।
प्रश्न संख्या 9, 13/25 भाग खाली स्थान बराबर 13/5 में रिक्त स्थान में होगा। तो ये इसे हल करते हैं। ये जो रिक्त स्थान में आएगा उसे हम मान ले रहे हैं x, तो इसे हल करते हैं। या 13/25 ये भाग को हम बदल रहे हैं गुना में, तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 13/5। या 1/x इक्वल टू 13/5 गुना, जब 13/25 को हम दाहिनी ओर लाएंगे तो ये होगा कि अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/13। ये 13 ये 13 कैंसिल किए तो ये 5/5, तो ये हमारा 1/x 1/x आ गया 5, तो x क्या होगा 1/5। इसको उलट दिए सिंपल, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 10, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज के कोणों का जो गुण होता है वो ये होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 75 डिग्री है तो ये भी तो 75 डिग्री होगा, ये भी 75 डिग्री होगा। अब एक दूसरा गुण ये है कि किसी रेखा पर अवस्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका अर्थ है कि ये x जोड़ 75 बराबर 180 होगा, तो x बराबर क्या होगा 180 डिग्री घटाओ 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था 2019 के क्लास 8 के बोर्ड का हल प्रश्न पत्र और उसका ये पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हमने इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया है। अब अगले वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को हल करूंगा। धन्यवाद।